इमामगंज नगर पंचायत अंतर्गत झड़हा गांव स्थित देवी मंदिर में हनुमान मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद भव्य भंडारा का आयोजन शुक्रवार को किया गया। पूरी खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका जीबीएन 24 पे और मैं हूँ आपके साथ रीशु चौधरी। मंगलवार से शुरू हुई पूजा कार्यक्रम जो शुक्रवार को अखंड कीर्तन भजन का समापन के बाद भव्य भाव भंडारा का आयोजन किया गया। सैकड़ों महिलाओं, बुजुर्ग और बच्चों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस संबंध में मुख्य पार्षद प्रतिनिधि भवानी सिंह ने बताया कि झड़हा देवी मंदिर के प्रांगण में हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर वैदिक विधि विधान के साथ चल रहे पूजा अर्चना भव्य भंडारे के साथ संपन्न किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि इस मंदिर में बरसों से हनुमान मंदिर की मंदिर और मूर्ति की स्थापना को लेकर तैयारियां चल रही थी, जो आज पूरा हुआ है। अब यहाँ पर मंदिर बन जाने से लोगों पर हनुमान जी की कृपा होगी। मैं भगवान श्री हनुमान जी लोगों को सुख समृद्धि की कामना करता हूँ। इस मौके पर मंदिर समिति के अध्यक्ष त्रिपुरारी स्वर्णकार केदार गुप्ता, कृष्ण प्रसाद स्वर्णकार, मुख्य पार्षद पति धीरज पासवान, वार्ड पार्षद अखिलेश गांधी, उपेंद्र शुक्ला, पूर्व आर्मी मंजीत कुमार, ब्रज किशोर सिंह नेता, भवानी सिंह, विकास पाठक, सुरेश वर्मा सहित अन्य सैकड़ों लोग मौजूद थे। अभी के लिए बस इतना ही। बिहार और बंगाल से जुड़ी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जीबीएन 24।